सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कि कैसे हम अपनी सफलता को सुनिश्चित करें, वो भी एक छोटी सी बात। आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन तुरंत दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और सर्वप्रथम आप मेरे वीडियो को देख सकेंगे। मित्रों, शरीर में जो आपके नासिका है, नोज़, ये नाक कहते हैं, ये केवल सूंघने का काम नहीं करती। वैसे तो नासा छिद्रों का कार्य होता है, वायु को पूरे शरीर में सप्लाई करना, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन शरीर में जाती है और फेफड़ों के द्वारा वो हमारे शरीर को जीवित रखती है। फेफड़ों से नलिकाएं जुड़ी होती हैं जो पूरे शरीर को ऑक्सीजन देती हैं। तो नासिका का कार्य केवल सांस लेना ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे चमत्कार देखे गए हैं इस नासिका की सांसों के द्वारा, और इसको कहते हैं स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान, इस पर तो पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है, पर इस वीडियो में कुछ एक बातों को मैं आपको बताऊंगा। स्वर विज्ञान के माध्यम से आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, परेशानियों से बच सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और स्वर विज्ञान के द्वारा भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अब क्रमशः हम बात करेंगे कि स्वर का हम कैसे उपयोग करें। जैसे आप किसी विशिष्ट कार्य के लिए जा रहे हैं तो एक तो चौघड़िया आप देखते हैं, चौघड़िया में कुछ शुभ समय होता है और कुछ अशुभ समय होता है। इसी प्रकार से आपकी जो नासा है, जो दाहिनी तरफ होता है, दक्षिण नासा पुट कहते हैं, वाम नासा पुट ये है। अब इसी को लोग इड़ा और पिंगला भी बोलते हैं, यानी कि जो दक्षिण है वो इड़ा है और ये बायां स्वर, इसको पिंगला कहते हैं। और जब सम स्वर चले, यानी कि ये न समझ में आवे कि दो में से कौन सा स्वर चल रहा है, उसको उस समय सुषुम्ना कहते हैं। तो जैसे आप किसी प्राचीन काल में युद्ध करने जाते थे, आप युद्ध करने जा रहे हैं, मुकदमे पर जा रहे हैं, यानी लड़ाई का भाव है या जहाँ पे वाद विवाद की संभावना है, ऐसे में तभी घर से निकलना चाहिए जब आपका दक्षिण का यानी दाहिना नासा चल रहा हो। ठीक है, यानी कि जहाँ पर पौरुषयुक्त कर्म का प्रभाव दिख रहा हो, ऐसे कार्यों को तभी करना चाहिए जब दक्षिण नासा पुट से वायु निकल रही हो और जा रही हो। उस समय वाम नासापुट, जो बाई नाक का है, वो कम हवा देगा। देखिए, जैसे इस समय मेरा वाम नासापुट चल रहा है, और वाम नासापुट का कार्य कब करना चाहिए, जैसे प्रतियोगियों परीक्षाओं में जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं या अपनी पत्नी से मिलने जा रहे हैं। और अब मेरी भाषा में तो जो संस्कारित भाषा है, पत्नी ही कहेंगे, बाकी आप लोगों के
पैसे क्या हैं, तमाम संबंध होते हैं, लेकिन जो संस्कारित भाषा होती है और जिम्मेदार लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी की ही भाषा बोलते हैं। मेरा आशय आप समझ गए। और जैसे भोजन करने जा रहे हैं तो चूंकि भोजन में जठराग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए, भोजन करते समय भी अगर दक्षिण नासापुट चल रहा हो तो बहुत अच्छी बात होती है। अब जैसे आपने भोजन कर लिया, भोजन को पचाने के लिए दक्षिण नासापुट का चलना अनिवार्य होता है, इसलिए बाई करवट लेट जाएं अगर आधे घंटे तो भोजन जल्दी पच जाता है, क्योंकि उससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। उसी में अगर आप दाई करवट लेट जाएंगे तो फिर भोजन पचने में देरी होगी और वाम नासापुट चलेगा। यानी ऐसा मान लीजिए जैसे बिजली के तारों में गर्म और ठंडा तार होता है, उसी के तरीके से वाम नासापुट अपेक्षाकृत शीतल होता है, दक्षिण नासापुट से निकलने वाली जो वायु होती है उसके चलने पर शरीर में गर्मी होती है। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि जैसे आप रात को सोएं, तो रात को सोएं अगर तो रात को सोते समय दक्षिण नासापुट चलना चाहिए, क्योंकि रात ठंडी होती है और ठंडी में उस समय शरीर को गर्म रखने के लिए दक्षिण नासापुट चलना चाहिए, अर्थात आपको बाएं करवट लेटना चाहिए। इससे भोजन भी पचेगा और शरीर गर्म भी रहेगा। इसका मतलब ये ना समझ लें कि शरीर गर्म हो जाएगा। जो आपका 98.6 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर रहता है वो तो रहेगा ही, पर कुछ भीतरी बातें होती हैं, शीतलता और गर्मी की बात जो कह रहा हूँ वो प्रकृति का है। तो अगर आपको कोई सर्दी खांसी इत्यादि है, जुकाम की स्थिति है, तो दक्षिण नासापुट चलाएं आप और वाम नासापुट को बंद कर लें या कम कर लें, यानी कि बाईं करवट लेट जाएं। और जब आपको उल्टी मतली कह या कुछ ऐसे गर्मी से होने वाले रोग हों तो आप दाईं करवट लेटेंगे तो वाम नासापुट आपका चलेगा। इसी प्रकार से जैसे आप कहीं जा रहे हैं और उस समय पहली बात तो ध्यान रखें कि दक्षिण नासापुट का कार्य चल रहा है कि हम किस कार्य के लिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से जो नासापुट चल रहा हो उस नासापुट के अनुसार उसी पैर को आगे रखना चाहिए। घर से आप जब चलें तो अपने दरवाजे से निकलते समय तो वही पैर आगे पहले रखें जिसका नासापुट चल रहा हो, इससे संभावनाएं बनती हैं सफलता की। अच्छा, जो भी नासापुट आपका चल रहा है और आप कहीं जाने के लिए तैयार हैं और एकदम आपका नासापुट बदल जाए, आपका स्वर बदल जाए, स्वर यानी कि नाक का स्वर अगर बदल जाए तो आप अपनी तैयारी को रोक दीजिए और ठहर जाइए, या कोशिश करें कि एक नासापुट चलाऊं। दूसरी बात ये है कि अगर सुषुम्ना नाली चल रही है, अर्थात दोनों नाकों से बराबर वायु निकल रही है, तो सुषुम्ना चलती उस समय। सुषुम्ना के समय कोई यात्रा या कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। सुषुम्ना चलाना वैसे तो बहुत ही अच्छी बात मानी गई है योग में, कि जब आप योग में बैठे हों उस समय अगर सुषुम्ना चले तो योग शक्तियाँ आपको शीघ्रतया मिलती हैं, जल्दी आपको मिलती हैं। तो योग के लिए सुषुम्ना को चलाना आवश्यक होता है, पर सांसारिक कार्यों में सफलता के लिए या किसी कार्य के लिए अगर आप चलते हैं तो उसमें आपको दक्षिण स्वर या वाम स्वर यानी कि इड़ा या पिंगला का चलना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखें।
और जब विपरीत अगर चल रहा हो स्वर, तो आप थोड़ी देर अगर एक तरफ बंद कर लेंगे और एक नाक से सांस लेंगे, तो समथिंग 2-3 मिनट में आपका स्वर बदल जाएगा। तो आप स्वर के बदलने की प्रतीक्षा करें या स्वर को बदलने की क्रिया करें और इसके बाद चलें। वैसे तो अच्छा ये रहेगा, क्योंकि देखिए जो घर से बाहर निकलते हैं या कोई काम करने जाते हैं, तो उस समय अगर स्वाभाविक रूप से वो चल रहा है आपका स्वर, तो ही कार्य करना चाहिए। स्वर बदलने से वो जबरदस्ती होती है, इससे भवितव्यता को बदला नहीं जा सकता। इसलिए कोशिश ये रहे कि आप इंतजार ही कर लें, और अगर इंतजार न कर सकें तो फिर स्वर को बदलने की क्रिया कर लें। इस प्रकार से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव ने स्वर विज्ञान के बारे में बहुत सारा बताया है, तो मार्केट में आपको शिव स्वरोदय के नाम से पुस्तक भी मिल जाएगी, आप उसको खरीद सकते हैं। मैं किसी पुस्तक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। यदि विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो किसी भी प्रकाशन की कोई पुस्तक खरीद सकते हैं स्वर विज्ञान के तहत। आशा है दी गई जानकारी से आप जीवन में अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।